This channel is for education purpose, and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, very good evening, guys. Welcome back to our channel, Finvest. उम्मीद है आप सभी के trading कैसे चल रहे होंगे? अगर नहीं चल रहे होंगे तो इस video को end तक जरूर देखेगा. आपको काफी मदद मिलेगी अपने skill improve करने में और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कल के लिए जो स्टॉक्स अच्छे होने वाले हैं उनको बताऊंगा सबसे पहले हम गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में जो हमारी ओपनिंग प्राइस थी यानी कि हमें एक्जैक्टली exactly इसी लेवल में बाय करना था अगर आप इस स्टॉक को बाय कर पाओगे तो अप साइड की आपकी ट्वेंटी पॉइंट्स की मूवमेंट ईजिली मिल गई थी यानी कि दो टारगेट प्राइस हमारे ईजिली अचीव हो गए थे और शॉर्ट सेलिंग साइड में हमारा एक ही टारगेट प्राइस अचीव हुआ था दूसरा टारगेट जो था हमारा वो अचीव नहीं हो पाया था तो चलिए दूसरे स्टॉक की मैं बात करूँ मास्क अगला स्टॉक जो था हमारा था तो वो था मास्टिक जिसमें हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड का यहाँ पे आके स्टॉप लॉस सेट हो गया था बाई साइड में अगर आप देखेंगे तो बाई साइड में हमारे तीनों टारगेट प्राइस इजिली अचीव हो गए थे एट दी एंड जाकर इसका हाई था ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी का और हमारा लास्ट टारगेट प्राइस भी ट्वेल्ल हंड्रेड फिफ्टी का था एक चीज़ मैं आपको कल बताना भूल गया था ये चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि अगर पहला टारगेट प्राइस अचीव होता ही आपको करना क्या है कि फर्स्ट टारगेट प्राइस पर अपना स्टॉप लॉस जो है शिफ्ट कर देना है शिफ्ट कैसे होगा जैसे मान लीजिए आपने इमेजनरी स्टॉप लॉस लगा देना है कि अब मैं अगर फर्स्ट टारगेट प्राइस पर दोबारा आती है जाने के बाद नीचे आती हो, ना है, और आपको का सामना करना पड़ रहा अगला था हमारा बिल्डा कॉर्पोरेशन जिसमें मैंने आपको दिया था टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ज्वाइन जरूर जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल वहीं प्रोवाइड करता हूं टेलीग्राम चैनल में इसमें बाई साइड के हमारे सारे टारगेट प्राइस अगर मैं यहां से हटाऊ तो आपको दिखेगा बाई साइड का इसने हाई बनाया था नाइन थर्टी का हमारा नाइन थर्टी का तीन तीसरा टारगेट प्राइस था वो उसने इजीली अचीव कर लिया था नाइन थर्टी नाइन थर्टी टू का इसका हाई था नाइन थर्टी टू का बट हमारा जो टारगेट प्राइस था नाइन थर्टी का था शॉर्ट सेलिंग साइड में ना, एट नाइनटी यानी कि हमारा एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाया मैं हर बार बोलता हूँ पहला टारगेट प्राइस मैं स्मॉल इसलिए देता हूं कि अगर स्टॉक अप जा चुका हो और डाउन आने में आपका अपसाइड का मूवमेंट मिस हो जाए तो डाउन आते समय भी आपका जो शॉर्ट सेलिंग का आप वेट करें उसमें एक नए टारगेट प्राइस अचीव हो इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल देता हूँ तो यहाँ पर आपको काफी मदद मिली होगी इस चीज़ की फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की मैं बात करूं तो इसमें हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट प्राइज इसलिए अचीव हो गया था तीसरा टारगेट प्राइस तो था वहाँ लगभग लगभग इस लाइन पे था और ये यहीं तक इसने अपना लो बनाया पाँच पॉइंट्स हमारा तीसरा टारगेट प्राइस रह गया और बाई साइड की मैं बात करूँ तो एट दी एंड में बाई साइड का एक टारगेट प्राइस भी आपका अचीव हो गया था बट ठीक है अगर आपने इसमें खाली शॉर्ट सेल किया होगा तो इजीली आपको दो टाकर पैसे सचिव होंगे अब मैं बात कर लेता हूँ वाट्एप में देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप में मैं अलग से कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ तो व्हाट्सअप में जो कॉल दी थी उनका रिव्यू मैं बताऊँ आपको तो देखिए टाटा केमिकल्स आज मैंने आपको दिया था इसमें आपको बाय करके चलना था लगभग इसी पॉइंट पर यानी कि 570 पे 570 के देखें अगर आप यहाँ बाई नहीं कर पाओगे तो आपको यहाँ पे दोबारा सा मौका मिला होगा अगर नहीं मिला होगा तो दोनों आपने मिस कर दिए होंगे तो और भी स्टॉक्स में आपको अच्छा प्रॉफिट होता है बट यहाँ पे बाय करना था और इसने अपना हाई बनाया है फाइव नाइनटी का यानी कि ट्वेंटी पॉइंट जो मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूँ टेन टू ट्वेंटी पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस मिला के फर्स्ट में ये था दूसरा हमारा जो स्टॉक था उसमें देखिए आज क्या मूवमेंट रही इसमें ये सब हर जगह से डाउन ही आया डाउन आके इसने दो टारगेट प्राइस हमारे इजिली अचीव किए सेकेंड टारगेट प्राइस हमारा इसी लाइन में था तो इसने दो टारगेट प्राइस इजीली अचीव कर लिए थे बाकी मैं बात करूँ अगला स्टॉक जो था हमारा वो था पॉलीमेट मेट का पॉली में हमारे देखिए ये हालांकि ये स्टॉक जो था गैप डाउन ओपन हुआ था इसने गैप रिफ़िल किया पहले अपना गैप रिफ़िल करने के बाद ही इसने जो है यहाँ पे फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव किया फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गया था हमारा तो ये देखिए गैप रिफ़िल करने का देखिए रीज़न क्या है कि यहाँ पर गैप रिफिल कैसे किया इसने इस पॉइंट पर यहाँ पर एक मिनट का होल्ड ले लिया था और होल्ड लेने के बाद ये डाउन आया था तो शॉर्ट सेलिंग का टारगेट प्राइस अगर यहाँ पर आपने मिस किया होगा तो यहाँ पर आपने ईजिली अचीव कर लिया होगा अगला अडानी पोर्ट्स की मैं बात करूं तो अडानी पोर्ट्स मेरा आखिरी स्टॉक था उसमें देखिए ये ओपन जो हमारी बाइंग प्राइस के लगभग यहीं पे हुआ था अगर ये आप बाय कर पाए होंगे ऐसे क्योंकि इसने होल्ड लिया था अपनी बाइंग प्राइस के नीचे बट यहाँ पे बाय पर करने के बाद इसने दो टारगेट प्राइस इजीली अचीव कर लेते तो ये हमारे व्हाट्सएप की कॉल्स थी इनमें आपको देखिए ये स्टॉक्स जो थे बिलो सेवन टू फोर टू सेवन की रेंज में आपको ये स्टॉक्स थे ये मॉर्निंग में मैं ये स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं लगातार दो दिन मैंने इनका रिव्यू देता ज़्यादा दिन मैं देता नहीं था बट अब कहने पर मैं दे रहा हूँ तो इनमें आपको टेन टू फिफ्टीन पॉइंट देखिए तो minimum है मिल मिल ही जाएगा और और मिला मिला के 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 आपको मिल जाते हैं हिसाब से आप लगा सकते हैं कि आप कितना प्रॉफिट डेली अर्न कर सकते हैं मिनिमम टू थाउजेंड और मैक्सिमम की कोई रीच नहीं है तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कल की कॉल्स की, की तरफ तो चलिए हम बात कर लेते हैं ट्वेंटी वन की कॉल्स की स्टॉक है हमारा बाला माइंस जिसे आप बाय करके चलेंगे फिफ्टीन नाइन पे यानी कि 1579.50 पॉइंट फाइव जीरो पे टारगेट रहेगा फिफ्टीन एटी फाइव फिफ्टी नाइन एट हंड्रेड एंड टेन पहला टारगेट प्राइस अचीव होता ही आप अपना स्टॉप लॉस सीधा शिफ्ट करेंगे फर्स्ट टारगेट प्राइस पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका फिफ्टीन सिक्सटी फोर का यानी कि फिफ्टी सिक्स थ्री पॉइंट फाइव जीरो ट्रेड से बाहर आएंगे एग्जेक्ट फिफ्टीन सिक्सटी फोर आपको बाहर नहीं आना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है इस स्टॉक जो स्टॉक है यहाँ प्राइस पे आकर होल्ड लेता है और ऊपर चल जाता है आप टे स्टॉप लॉस हिट मान के ट्रेड से बाहर आ जाते हैं और आपको लॉस हो जाता है बट टारगेट जो है सारे अचीव हो जाते हैं तो इस प्राइस के नीचे जब आने लगी वैली तब तो अपना स्टॉप लॉस हिट मानेंगे और इस लेवल के ब्रेक होते ही आपको बाय करना है ब्रेक होते ही यानी कि फिफ्टीन अब ये बात ध्यान रखिएगा अगर आप फिफ्टीन पे अगर आप एक्जैक्ट फिफ्टीन हंड्रेड सेवेंटी नाइन पर बाय कर लेते हैं तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो लेवल ब्रेक होने के बाद ही आपको ये टारगेट्स मिल पाएंगे शॉर्ट सेलिंग का लेवल है इसका फिफ्टीन फिफ्टी एट का यानी कि फिफ्टीन फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव जीरो पर आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे टारगेट रहेगा फिफ्टीन फिफ्टी थ्री फिफ्टीन फोर्टी थ्री और फिफ्टीन थर्टी का लॉस रहेगा फिफ्टी सेवन थ्री का यानी कि फिफ्टीन सेवनटी थ्री पॉइंट फाइव जो आपका स्टॉपलस रहेगा ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का और देखिए अगर स्टॉक गैप पर फिर गैप डाउन ओपन होता है तो पहले तो अगर ज़्यादा गैप अप होता है तो उस स्टॉक को छोड़ देंगे अगर ज्यादा गैप अप नहीं होता है बहुत ही स्लाइट गैप अप है पाँच या दस पॉइंट का गैप अप है दस पॉइंट भी छोड़िए पाँच या छः पॉइंट का गैप अप है तो आप उसमें वेट करेंगे इलेवन ए एम तक उसके गैप रिफिल करने का एट हंड्रेड से बड़े स्टॉक्स में इलेवन ए एम तक और जो एट हंड्रेड से छोटे स्टॉक हैं उनमें आप वेट करेंगे टेन ए एम तक गैप रिफिल कैसे होगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी वो एक मिनट का होल्ड लेगा होल्ड लेने के बाद दोबारा जब लेवल ब्रेकआउट करेगा तब आप उसे बाय करेंगे अगर वो एक मिनट का होल्ड नहीं लेता है तो आप उसे स्टॉक को छोड़ देंगे तो ये जो बातें हैं ध्यान रखनी है बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो खोल तो मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ और वाट्सप पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा फोर टू सेवन की रेंज में जैसे मैंने अभी आपको रिजल्ट भी बताया अगर आपने वीडियो स्किप करके देखे तो रिजल्ट देख लीजिए आज जो स्टॉक्स के थे हमारे चार से पाँच स्टॉक मैं मॉर्निंग में प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में आपको वाट्सए नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए बाकी की डिटेल हम वहीं डिस्कस कर लेंगे अगला स्टॉक हमारे श्रीमाम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस जैसे आप बाई करके चलेंगे रूल वही रहेंगे सारा ब्रेकआउट होगा कैसे ब्रेकआउट होगा मैंने अभी आपको बता दिया तो सिंपली करके चलेंगे 1488 के लेवल ब्रेकआउट होने पे टारगेट रहेगा फोर्टीन हंड्रेड और थ्री का यानी टू पॉइंट फाइव जीरो का शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा फोर्टीन तर, तर, हंड्रेड सेवेंटी टारगेट रहेगा हमारा फोर्टीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव फॉर्टीन हंड्रेड फिफ्टी थ्री और फोटी हंड्रेड फोर्टी का स्टॉप लस रहेगा फोटीन हंड्रेड एटी फाइव का ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा बाकी बचे हुए दो स्टॉक्स में मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा